आज का भारत दुनिया के लिए चुनौती है, दुनिया के लिए आदर्श है। जब आप व्यक्ति की पॉकेट में कुछ डालते हो, उसकी निर्भरता को आप बढ़ाते हो। कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून का शिकंजा देर सवेर आपके गर्दन तक पहुंचेगा यदि अगर आपने गलत काम किया है। हमने पढ़ाई की थी, न बिजली थी, न घर में पानी था, न टॉयलेट था, न गैस कनेक्शन था, न रोड था, न स्कूल थी। पढ़ाई के लिए जाते थे 5-6 किलोमीटर साधारण पढ़ाई के लिए। आज का भारत दुनिया के लिए चुनौती है, दुनिया के लिए आदर्श है। जो लोग हमारे पर टिप्पणी करते थे कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, 90 में जब मैं केंद्र में मंत्री था, लोकसभा का सदस्य था, हमारा सोना हवाई जहाज से स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों को गिरवी रखा गया ताकि आर्थिक साख बची रहे। और आज जब देखते हैं तब 1 बिलियन और 2 बिलियन के बीच में, यूएस डॉलर के बीच में हमारा फॉरेन एक्सचेंज था, आज ओवर 600 बिलियन है। आज दुनिया की सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। दुनिया में भारत वो स्थान है जिसको कहते हैं अ फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। ऐसे भारत में डिजेबल्ड लोगों की यदि मदद नहीं करेंगे, हमारी सांस्कृतिक विरासत के अनुसार हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे, तो हम हमारी सांस्कृतिक मापदंड पर खरे नहीं उतरेंगे। ये प्रयास छोटा नहीं है। इट इज नर्व सेंटर, इट इज एपी सेंटर। और जिन कॉरपोरेशन ने सहायता की है, आई स्ट्रॉन्गली कमेंड देम एंड आई कॉल अपॉन द कॉरपोरेट्स। टाइम हैज कम when they must use their CSR funds to empower people. आज के दिन एक संस्कृति चल गई है कि लोगों को एम्पावर नहीं करते हैं, जेबों को गर्म करते हैं। ये आप और हमारे सबके लिए चिंतन का विषय है, सोच का विषय है। व्यक्ति को निर्भर मत करो। जब आप व्यक्ति की पॉकेट में कुछ डालते हो, उसकी निर्भरता को आप बढ़ाते हो, उसको आप उसकी उसको सक्षम नहीं होने देते हो। नीड इज वी एम्पावर देम। और इस एम्पावरमेंट के अंदर सबसे आगे दिव्यांग, महिलाएं, कमजोर वर्ग है। अच्छा विषय है, सुखद विषय है, प्रसन्नता होती है, संतोष मिलता है कि आज के भारत में सरकार की यह प्राथमिकता है। हमें जड़ से कौन खदेड़ रहा था, वो कौन सी दीमक थी जो हमें खा रही थी, वो थी भ्रष्टाचार की दीमक। सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार से पहले इतना पीड़ित था कि बिना भ्रष्टाचार को नमन किए हुए आप 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकते थे। सरकारी व्यवस्था में दलालों का बोलबाला था। एंड लुक व्हाट अ चेंज। पावर कॉरिडोर्स हैव बीन थोरोली सैनिटाइज्ड ऑफ दीज परनिशियस करप्ट एलिमेंट्स, पावर ब्रोकर्स, लाइजन एजेंट्स। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, मानवता के लिए सबसे जरूरी है कि कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर हो, बराबरी का हक मिले उसको। कुछ लोग ये समझ लें कि हम कानून से ऊपर हैं, कानून हमारा क्या बिगाड़ सकता है। ये धारणा टूट गई है। कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून का शिकंजा देर सवेर आपके गर्दन तक पहुंचेगा यदि अगर आपने गलत काम किया है। यह भी बहुत बड़ा बदलाव है।